सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम आईओ मॉड्यूल। इसके लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था आईओ मॉड्यूल के बारे में, हम लोगों ने समझा था कि आईओ मॉड्यूल क्या है और आईओ मॉड्यूल के टाइप्स क्या है। तो प्रोग्राम मॉड्यूल एक आईओ मॉड्यूल का टाइप है जो एक अलग तरीके से काम करता है। ऐसे इसके दो और अलग मॉड्यूल है जिसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम आईओ मॉड्यूल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब एकदम इसके अंदर घुस के देखेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि ये प्रोग्राम आईओ मॉड्यूल क्या है, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली प्रोग्राम आईओ मॉड्यूल करता क्या है। आईओ मॉड्यूल बेसिकली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। वो क्या करता है कि एक एज अ ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स मतलब हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आईओ मॉड्यूल एक ब्रिज जैसे एक्ट करता है कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। तो उसका एक टाइप है प्रोग्राम्ड आईओ। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ पर एक सीपीयू है और ये मेरा आईओ मॉड्यूल है। अभी ये आईओ मॉड्यूल मेरे इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। और अगर कीबोर्ड रहने दो, माउस रहने दो, वेबकैम रहने दो, कुछ भी रहने दो। और अभी समझो यहाँ पर एक एड्रेस बस है। एड्रेस बस मतलब एक रोड होता है वहाँ जहाँ से डेटा फ्लो हो सके, वो मदरबोर्ड में रहता है। एड्रेस बस मतलब ऐसा एक रोड जहाँ से डेटा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सके। तो अभी किसी कारण से सीपीयू इस एड्रेस बस को यूज़ कर रहा है, बराबर सीपीयू यूज़ कर रहे हैं इस एड्रेस बस को। कोई भी काम रहने दो, डेटा ट्रांसफ़र रहने दो, या फिर कुछ कॉपी करना हो, कुछ रीड करना हो, सीपीयू उसको यूज़ कर रहा है। अभी ये आईओ मॉड्यूल की कोई भी एक डिवाइस रहने दो, कीबोर्ड या फिर कोई भी, इसको भी एक एड्रेस बस की ज़रूरत है। तो आईओ मॉड्यूल को इसकी ज़रूरत है, बराबर, पर इसको ये मिला नहीं अब तक। तो ये सीपीयू को क्या बोलेगा, भाई तू मेरा दोस्त है ना, अकेले अकेले एड्रेस बस यूज़ करेगा क्या, मेरे को भी थोड़ा यूज़ करने दे, अपन साथ में यूज़ करते ना। तो फिर सीपीयू क्या करेगा, इसका जो कंट्रोल है ना वो इसको दे देगा आईओ मॉड्यूल, और ये फोकट बैठेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये फोकट बैठेगा। और ये हर 5 मिनट में चेक करते रहेगा कि भाई तेरा हो गया क्या एड्रेस बस का काम, तेरा अगर एड्रेस बस का काम हो गया तो मेरे को भी दे, मुझे भी यूज़ कर रहा है, मेरा भी काम अटका पड़ा है। तो बेसिकली प्रोग्राम आईओ मॉड्यूल में क्या होता है, अगर सीपीयू कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और वो आईओ मॉड्यूल को चाहिए तो वो आईओ मॉड्यूल को देता है और बार बार चेक करता है कि आईओ मॉड्यूल का काम हो गया है कि नहीं, ताकि मैं अपना बस लाइन वापस ले सकूँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, एकदम इजी करके मैंने बताया। अब इसका डिटेल में हम लोग अंदर जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है आईओ कमांड्स। तो आईओ कमांड्स क्या है, अभी सीपीयू ने इतना बड़ा अपना एड्रेस बस की जिम्मेदारी आईओ मॉड्यूल को दे दी, तो वो एक्सपेक्ट करता है ना कि आईओ मॉड्यूल को कुछ चीज़ें करने के लिए। तो आईओ मॉड्यूल के कुछ कमांड्स है जो आईओ मॉड्यूल करता है, इसके लिए उसको वो एड्रेस बस का कंट्रोल दिया जाता है। पहली बात, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा आईओ मॉड्यूल है ना, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। अभी इधर पेन ड्राइव रहेगा तो वो डेटा ट्रांसफ़र, डेटा लेना उधर से, डेटा लेना, वो सब कंट्रोल करेगा वो। दूसरी चीज़ है टेस्ट। अगर मैंने कोई बड़ा डिवाइस ऐड किया, जैसे कि प्रिंटर हुआ या फिर माउस हुआ, तो पहले वो देखेगा कि डिवाइस चालू है कि नहीं, डिवाइस बेसिक फंक्शन कर रहा है कि नहीं। अगर डिवाइस चालू है तो एक टेस्ट कनेक्शन कर देगा, मतलब अभी प्रिंटर कनेक्ट कर दो तो एक टेस्ट पेपर प्रिंट कर देना, ब्लैंक शीट प्रिंट करेगा स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए कि सही है कि नहीं, तो वो टेस्ट करके देखता है। फिर आईओ मॉड्यूल रीड करने में भी हेल्प करता है। रीड मतलब क्या, अभी समझो यहाँ पर मैंने एक पेन ड्राइव डाल दिया, तो आईओ मॉड्यूल क्या करेगा, इसमें से डेटा रीड करके यहाँ पर लेके आएगा, एक बफर में स्टोर करेगा और बाद में वो चीज़ सीपीयू को दिखाएगा। और ये आईओ का मॉड्यूल राइट भी करता है। राइट मतलब क्या, वो सीपीयू और मेमोरी से कोई चीज़ उठाएगा, वापस बफर में स्टोर करेगा और वापस इस पेन ड्राइव में लोड करेगा। ये पेन ड्राइव का एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही दे दिया, पेन ड्राइव जैसे कुछ और डिवाइसेस भी हो सकते हैं, बराबर। तो ये आईओ कमांड्स याद रखना, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना किसी चीज़ को, बताना उसको कैसे काम करना चाहिए, टेस्ट मतलब देखना वो सही काम कर रहा है कि नहीं, अगर गलत काम कर रहा है तो उसका एरर कोड वो सब हम लोग को दिखाना। तीसरा रीड, रीड मतलब उसमें से डेटा पढ़ना। और चौथा राइट मतलब हमारे पास जो डेटा है वो उसमें लिखना। तो ये आईओ कमांड्स याद रखना। तो इसका एक फ्लो चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आता है, तो ये फ्लो चार्ट मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रीड के लिए, तो अभी इधर कैसा होता है कि पहला स्टेज हम लोग का क्या है, यहाँ पर इशू रीड कमांड टू आईओ मॉड्यूल, मतलब यहाँ इस स्टेज पे ना आईओ मॉड्यूल ने रिक्वेस्ट कर दिया सीपीयू को कि भाई तू मेरा दोस्त है ना, ये सीपीयू है समझो, ये मेरा आईओ मॉड्यूल है, यहाँ पर इसने रिक्वेस्ट किया कि तू मेरा दोस्त है ना, कुछ टाइम के लिए मेरे को दे दे, मेरे को बस एक पेरिफेरल का डेटा रीड करने का है। पेरिफेरल इस पे कोई तो कनेक्ट रहेगा, पेन ड्राइव कुछ वगैरह, वो कुछ मेरे डेटा रीड करने का है। तो सीपीयू का एरो देखो आईओ की तरफ जा रहा है, मतलब सीपीयू जो भी उसके पास रिसोर्सेस है वो आईओ को दे देता है। अभी इधर से सीपीयू फुकट बैठा है,
अभी ये आईओ डिवाइस क्या करेगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, रीड स्टेटस ऑफ आईओ मॉड्यूल, मतलब अभी आईओ डिवाइस जो भी डेटा पेन ड्राइव में है वो रीड करेगा और वो सीपीयू को बताएगा कि ये डेटा है कि नहीं अपने पास, मतलब रीड करके वो डेटा पेन ड्राइव से सीपीयू में डालेगा, क्योंकि आईओ मॉड्यूल प्रोसेसर थोड़ी ना है, प्रोसेसर का खुद का काम है ना डेटा को रीड करना राइट करना, है कि नहीं, तो वो आईओ को, आईओ सीपीयू को डेटा देगा रीड करके आईओ मॉड्यूल से, तब तक ये आगे जाएगा और स्टेटस चेक करते रहेगा कि वो आईओ डिवाइस रेडी है कि नहीं, और सीपीयू भी वो स्टेटस चेक करते रहेगा कि मेरा वो रिसोर्स खाली हुआ है कि नहीं। अभी देखो इतने स्टेज में ना ये सीपीयू खाली बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि मेरे को मेरा जो मैंने आईओ मॉड्यूल को दिया वो कब तक कंप्लीट हुआ कि नहीं, और वो इस पर डिपेंड रहता है। अभी देखो जैसे यहाँ पर आता है वो स्टेटस रीड करेगा कि आईओ मॉड्यूल है कहाँ पर, और आईओ मॉड्यूल है तो फिर उसका काम खत्म हो जाएगा पेन ड्राइव के साथ, फिर अगर वो बाद में स्टेटस को वेरीफाई करेगा, अगर स्टेटस रेडी है तो ही आगे जाएगा, अगर स्टेटस नहीं है तो ये स्टेप वापस करते रहेगा। तो मेरे को बेसिकली आपको यही समझाना था, यहाँ पर सीपीयू ने अपना कंट्रोल आईओ को दे दिया है, यहाँ पर सीपीयू फोकट बैठा है और यहाँ पर वो चेक कर रहा है बार बार देखने के लिए कि वो चीज़ फ्री है कि नहीं, अगर फ्री है तो ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, नहीं तो प्रोसीजर इधर ही रुक जाएगा। और यहाँ पर दो चीज़ों का चेक होता है, एक आईओ मॉड्यूल का भी होता है और एक पेन ड्राइव या फिर जो भी इनपुट डिवाइस है उसका भी स्टेटस चेक होता है, क्योंकि हो सकता है ना हमारा पेन ड्राइव कभी कभी बीच में फेल हो जाए, तो इसके लिए पेन ड्राइव जिंदा है कि नहीं उसका भी चेक बार बार हो जाता है। फिर अभी समझो एक बार रेडी हो गया ये, एक बार रेडी हुआ तो फिर अपना पेन ड्राइव से डेटा सीपीयू में चले गया बराबर, वो डेटा पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव मैंने एग्जांपल दिया है, आईओ मॉड्यूल में गया और आईओ मॉड्यूल से सीपीयू में गया, तो अपना वर्ड रीड हो गया सक्सेसफुली बराबर, अभी रीड हो गया अपना काम हो गया, तभी क्या होगा आईओ मॉड्यूल के पास जो रिसोर्सेस है वो वापस सीपीयू को दे देगा। सीपीयू पूरा फुकट बैठा था बेचारा इधर तक, एक बार काम हो गया तो सीपीयू को अपना चीज़ वापस मिल गया था। फर्स्ट स्टेज में अपन देख सकते हैं कि कैसे सीपीयू से आईओ मॉड्यूल ने वो चीज़ ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईओ मॉड्यूल से वो चीज़ सीपीयू को वापस मिल गई। अभी सीपीयू के पास अपना आ गया रिसोर्सेस, अभी सीपीयू वो जो चीज़ उसने रीड की थी, मतलब जो चीज़ उसने पेन ड्राइव से इनपुट लिया था उसने, वो अपने मेमोरी में सीपीयू राइट कर सकते हैं। अभी समझो आपको वो चीज़ उसने राइट कर ली और राइट करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अभी ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और इंस्ट्रक्शन है तो फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है तो फिर वापस अपन कुछ फेल हुआ तो वापस वो लूप से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये फ्लो चार्ट समझा रहेगा, ये बहुत मेन है। तो मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ, पहले तो इशू रीड कमांड होता है, ये सीपीयू देता है आईओ को और सीपीयू अपना रिसोर्सेज भी आईओ को देता है। यहाँ पर सीपीयू चेक करता रहता है कि आईओ ठीक है कि नहीं, और वो पेन ड्राइव जिस जिससे कनेक्ट हुआ है कि वो भी ठीक है कि नहीं, यहाँ पर चेक होता है इस लूप में। फिर बाद में अगर वो डिवाइस रेडी है तो फिर वो आईओ मॉड्यूल से चीज़ रीड होकर सीपीयू में जाती है, और आईओ अपना रिसोर्सेस सीपीयू को दे देता है, रिसोर्सेस मतलब एड्रेस बस है फिर ऐसा कुछ। और लास्ट में ये जो है ना सीपीयू के पास वापस कंट्रोल आ जाता है, तो सीपीयू ने जो चीज़ रीड की थी वो अपने अंदर वो मेमोरी में राइट कर लेता है, राइट मतलब परमानेंटली वो याद कर लेता है उसको, और फिर यहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। तो एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली ऐसे काम करता है प्रोग्राम्ड आईओ में। तो मैं आपको इसको अलग अलग मोड्स ऑफ एड्रेसिंग बताता हूँ अभी। तो मोड्स ऑफ एड्रेसिंग क्या होता है, तो एड्रेसिंग क्या होता है, एड्रेसिंग सिंपल इंग्लिश वर्ड, एड्रेसिंग मतलब किसी भी चीज़ को बुलाना। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मिस्टर या मिसेस बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं उसको मिस्टर या मिसेस टाइटल से एड्रेस कर रहा हूँ। तो एड्रेस मतलब किसी भी चीज़ को कंसीडर करना। तो इसका दो तरीका है, एक मेमोरी मैप्ड आईओ और दूसरा आइसोलेटेड आईओ। तो दोनों में फ़र्क क्या है, मेमोरी मैप्ड आईओ में ना सिंगल एड्रेस स्पेस है मेमोरी और आईओ के लिए, मतलब जो एड्रेस स्पेस है, मतलब एक एड्रेस का स्पेस होता है ना 0 to 255 MB फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों मिक्स है। किसके लिए मिक्स है, मेमोरी के लिए भी, मतलब सीपीयू का जो मेमोरी रहता है उसके लिए भी, और आईओ के लिए भी, ये दोनों के लिए ये चीज़ सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब इसी लोग के लिए कमांड्स भी सेम है, अगर मुझे आईओ एक्सेस करना है तो भी सेम कमांड है, मेमोरी एक्सेस करना है तो भी सेम कमांड है। और आइसोलेटेड क्या मतलब स्पेसिफिक कमांड आईओ के लिए भी है और स्पेसिफिक कमांड मेमोरी के लिए भी है, ये समझा आपको। तो यहाँ पर कैसे रहेगा कि आईओ के लिए अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा, मेमोरी के लिए अलग इंस्ट्रक्शन रहेगा, इसके लिए अलग स्पेस रहेगा, इसके लिए अलग स्पेस रहेगा। इसमें कैसा था, दोनों के लिए सेम स्पेस था और दोनों के लिए सेम इंस्ट्रक्शन था ना। तो ये मोड्स ऑफ एड्रेसिंग है, सिंपल हिंदी में मैंने बताया, याद कर लो इसको। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी अपन ने इतने में क्या समझा, मैंने पहले डायग्राम में क्या बोला था,
कि सीपीयू के पास कोई चीज़ रहती है, बराबर, तो सीपीयू के पास कोई चीज़ रहती है, इसको चाहिए, सीपीयू अपना काम धंधा छोड़ के वो चीज़ इसको दे देता है और फुकट बैठता है। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है, सीपीयू फुकट बैठता है ना। सीपीयू तब तक क्या करेगा जब तक आईओ मॉड्यूल अपना काम कर रहा, अपने पेन ड्राइव वेंड्राइव को चेक कर रहा है चल रहा है कि नहीं, सीपीयू का टाइम तो वेस्ट हो रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज, ये बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझ रहे हो आप कैसे सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज़ को यूज़ कर रहा था, इसने मांगा ये चीज़, ये यूज़ कर रहा है तब तक ये फुकट बैठ रहा है। तो क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं हो रही है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए खुद का डायग्राम बनाया था, एक्चुअल फ्लो चार्ट मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। सीपीयू पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक करता रहता है कि उसका वो पेरिफेरल चल रहा है कि नहीं, सीपीयू भी चेक कर रहा है कि भाई ये फ्री हुआ है कि नहीं ताकि मैं अपना चीज़ कर सकूं। एक बार स्टेटस फ्री हो गया उसका तो फिर सीपीयू जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो कंट्रोल सीपीयू को दे देता है, सीपीयू फिर बाद में डेटा राइट कर देता है, सीपीयू के पास ताकत आ गया ना वापस तो वो मेमोरी में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो, आज हम लोग देखा प्रोग्राम्ड आईओ मॉड्यूल के बारे में, हम लोग ने उसके कमांड्स देखे, अलग अलग कमांड्स क्या होते, उसका फ्लो चार्ट देखा हम लोग ने, फ्लो चार्ट के बाद हम लोग ने उसका मोड्स ऑफ एड्रेसिंग भी देखा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे और सीओए के वीडियोज़ आने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।